एक्सपीरियंस तो भाई बहुत 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 अच्छा था। इनफैक्ट मेरे को 15 साल हो गए मेरे को स्कूल में, मेरे को 4 साल हो गए, लेकिन 15 साल का एक्सपीरियंस मिल चुका है। हाँ ये बात तो है, 15 साल का एक्सपीरियंस मिल चुका है, मतलब सब मिलता है यार, फैमिली फ्रेंड्स मुझे स्कूल में मिले हैं वो किसी स्कूल में नहीं मिले, मिल भी नहीं सकते किसी और जगह पे, क्योंकि हमने देखा है दूसरे स्कूल्स का, अपना स्कूल सही है, मस्त। फेवरेट टीचर कौन है? सभी टीचर्स अच्छे हैं, मेनली कोई भी हो, मेनली ऐसे कोई में कोई, सारे अच्छे लगते हैं। कैसा है यार हमारे, मेरे जैसे सीमा मैम +1 +2 में, एंड 10th तक शिवानी मैम, सुनीता मैम, प्रीति मैम, ये सब। व्हाट विल यू मिस मोस्ट अबाउट रिसेस टाइम? रिसेस टाइम सबसे ज़्यादा, और क्लासेस में ये जो बेवकूफ वाली हरकतें की हम लोगों ने, सब मिस करना है। एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस। ओह या, फ्रीडम टू एक्सप्रेस। और एमयून स्पेशली है, 2-3 नमूने जो अभी भी हैं साथ एमयून के बाद भी, बट PDAV इट वॉज गुड। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सा लग रहा था, नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी, बट यहाँ आगे पहले 2 दिन तो मैं अकेली बैठी हुई थी, उसके बाद फिर ध्यान आई, फिर धीरे धीरे हमारा ग्रुप बना, हमारा ग्रुप तो सारे टीचर्स में फेमस है, तो अभी भी हम सारे साथ हैं, इट्स गुड, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट किए हमने। चंद्रमोहिनी मैम। हाय, माय नेम इज श्रुति एंड मुझे यहाँ पे स्कूल में 15 साल हो गए हैं, और ये स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है, स्कूल से बहुत प्यार मिला है, टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, नर्सरी से लेके 12th तक इतनी टीचर्स ने मेरी हेल्प की है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। इस स्कूल ने मुझे ये भी सिखाया है कि फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं और कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये, इस स्कूल ने मुझे ये सिखाया है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकती हूँ। सो बेस्ट है ये स्कूल, जन्नत है ये स्कूल। तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो। सो आई केम फ्रॉम एन ICSE कॉन्वेंट स्कूल वेर ओनली स्टडी वॉज द ओनली बर्डन, बट वेन आई केम टू स्कूल आई रियलाइज देर मेनी करिकुलर एक्टिविटीज विच आर बिंग फोकस्ड ओवर हेयर। दिस स्कूल इज सच अ वंडरफुल सिनारियो वेर एवरी वन मिक्सेस अप विद अस, वी नेवर फाउंड इट लाइक कि वी हैव एंटर टू अ न्यू स्कूल, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड CBSE स्कूल विच हेल्प्स यू टू लर्न इन अ बेटर प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वे, द वंडरफुल स्कूल टीचिंग अस इन अ वेरी बेनिफिशियल मैनर एंड हेल्पिंग अस। तू हंस क्यों देता है? How was your experience in PDAV? Yeah, it was like a roller coaster ride, you know. The journey was amazing. I made number of memories, like eating lunch boxes at the last rows, to canteen talks. This school gave me a lot of memories. As a kid, I always wanted to stay at home and did not want to come to school. But you know, as I grew up, coming to school became a joy for me. I always ask mama ki aaj bhi school jaai aata hu. So yeah, this journey was amazing. It's really difficult to explain this journey. When you've spent 15 years at this place and have seen yourself go from bottom to top, you realize that this place has given you so much. From curriculars to extra co-curriculars, we got plethora of opportunities in Police DAV that only helped us to push our boundaries and helped us to grow in every aspect. As the last days are coming near, I'm realizing that how much I'm going to miss this place. Its people and everything connected to it. PDAV has sculpted me into a better person, and whatever I've achieved today is just because of PDAV. And the most important thing, or the thing that will go on forever, is the MN family. A big cheers to you guys. At last, I'd only say that PDAV is like a second home that always gives us a feeling of belongingness and we'll just belong here. पिछले 15 साल तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला इतों, वो कि
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਚਰ ਮਨੋਜ ਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰ ਮਨੋਜ ਸਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਟੂਟਾ ਹੈ ਤੋ ਜੁੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੂੰ ਮੁੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯੇ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਬ ਹਮ ਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਕਾ ਹੀ ਸਾਥੋਂ